इस तरह क्यों हुंदा है वार बार? पहला तो सानू लीडरां दे मगर लग के कांग्रेस अकाली जां होर रवायती पार्टियां ने पहला तो उन्होंने पिछे लग के चलना पैंदा, पर जदों इस तरह की कोई गतिविधि की जाती है क्यों पार्टियां छड्डनियां पैंदियां? कदे ये भी जानकारी मिलती है कि तुसीं भी बीजेपी दे विच रह के जिहड़ा इनवॉल्वड सीगे? जिहड़ी उल्ट बहम पिया है ना बई ये चले जाणगे उठ जाणगे, अज तक कदी उठे आ? रिकॉर्ड पिछों देख लो, पाणियां दा धरना होवे कोई धरना होवे गवर्नमेंट नूं बनाउण भी जाणदे आ ते लाउण भी जाणदे आ। कितने उठन वाले असी, अभी तो रात दिन चलना, इतने बच्चे साढ़े तैयार आ, सानू नहीं मतलब पढ़ाई हो जाए खराब हो जाए बचकड़ी। साडिया वोटा बटोर के सानू ही धक्के मारे। लोगों तो वोटा लैन के वास्ते उन्होंने लॉलीपॉप दे देनियां और यहोजी स्कीम दे देनियां कि थानू आ चीज़ देवे आ चीज़ फ्री देवे। अज समय असी सरकार जो दोष दईए तो लगता है कि साडे भी कसूर है, जो असी उन्होंने पार्टिया के मगर जड़िया रवायती पार्टियां सी उन्होंने पिछे ला के असी भी चले हाँ। पंजाबी विरासत यूएसए चैनल के नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबराग। किसानी अंदोलन की गल करते हैं तो इस वक्त महारैलियां कीतियां जा रही, वड्डे रूप दे विच किसानी अंदोलन भखदा जा रहा, पर दूजे पासे केंद्र की वजारत दे वले देखा जाए तो अपमानजनक टिप्पणियां भी किसानी अंदोलन दे जिहड़ा समूहक भाईचारा हैगा वड्डे वर्गां दे लोक उन्होंने उपर भी कीतियां जा रही ने। इत्थे कुछ लोग ने असी उन्होंने नाल भी गलबात करांगे और जानकारी भी उन्होंने पासों लवेंगे। स्वागत है जी। हाँ जी वीरा जी, सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। भाई साहब किवें दो देखते हो किसानी अंदोलन? किसानी अंदोलन का असी सेंटर सरकार ले साडे किसान संयुक्त मोर्चे ने गर्मियों का असी अपना अरेजमेंट कर लिया, जिन्ना चिर सरकार धौण चो कीला नहीं निकलता उन्ना चिर असी जिन्हें भी साड़िया किसान जथेबंदियां मजदूर सारे इस तरह ही डटे रहेंगे। ये जिहड़ा साडा किसान यूनियन दुआबा का ये लंगर जिहड़ा आ पिछले तकरीबन 3 महीने तो 24 घंटे चल रहा, असी घट्टो घट 55-56 लाख का इतों डीजल भी फ्री पवा हटे हाँ। तो किसी का ट्रैक्टर जां कोई भी चीज़ खराब हो जाए फलौर तो फवाड़े के पचाले तो साढ़े जिहड़े मिस्त्री आ उन्होंने फ्री सेवा करते हैं। कदे ये भी जानकारी मिलती है कि तुसी भी बीजेपी दे विच रह के जिहड़ा इनवॉल्वड सीगे उन्होंने वजो ज इत्थे सर्कल दे विच सेवा करते सीगे? छोटे वीर जी, मैं बतौर जिले का जनरल सैकटरी मेरे को ऑल इंडिया रेलवे का मैं मैंबर सी जिहदे विच फरोज अपना पंजाब ते जम्मू जिहड़ा सर्कल फिरोजपुर मेरे को पौधा सीगा, मैं सारा कुछ त्याग के असी अपनी होंद नूं अपनी किसानी नूं बचाउण लई इस किसानी संघर्ष दे विच असी दिन रात जिहड़ी उह सेवा निभा रहे हैं। इस तरह क्यों हुंदा है वार बार? पहला तो सानू लीडरां दे मगर लग के कांग्रेस अकाली जां होर रवायती पार्टियां ने पहला तो उन्होंने पिछे लग के चलना पैंदा, पर जो इस तरह की कोई गतिविधि की जाती है क्यों पार्टियां छड्डनियां पैंदियां? जदों सरकारां जुल्म ढाउण जिहड़ा साडी आउण वाली पनीरी है, जे साडी पनीरी नूं आउण वाली नूं साडियां जड़ां खत्म करूगियां तो इन्हां जालम सरकारां दे फिर उल्ट सानू अपना आप त्यागना ही पैना। ये जिहड़ी लड़ाई आ ये वजूद दी लड़ाई आ, जिन्ना चिर ये सरकार झुकती नहीं उन्ना चिर साडी ये लड़ाई चलती रहनी आ। ये जिहड़ा गोदी मीडिया आ ये सिर्फ एवी बहम पाउंदा आ भी उत्थे रश घट गया जां कुछ आ, कोई चीज़ भी जिहड़ी उत्थे घटी नहीं चकली होनी, एक भी कोई उत्थे साडा रश जिहड़ा आ किसी तरह का भी घटिया नहीं, अगे नालों भी रश साडा जिहड़ा वधदा आ। हुण ट्रालियां पक्कियां खड़ गईयां, साडे किसान जथेबंदियां ने 10-10 दिन का प्रोग्राम लिखिया आ,
दस जने चले जाते सॉरी दस दिन बाद ड्यूटियाँ बदल के इस तरह ही असं चलता जिदा साढ़े इतने लंगर तो सवेर तो शाम तक असं ड्यूटी दें रात को साढ़े यूथ के पिंडा तो आके ड्यूटी देंगे इस तरह ही अं उन्ना चेर लड़ते रहेंगे जिन्ना चेर सरकार अपना पक्ष नीवा नहीं कर। बाबा जी सवाल है कि जेडे अंदोलन शुरू होंगे है ये पंजाब का इतिहास रहा कि जदों भी कोई मूवमेंट शुरू होंगी है चाहे वह गदर लहर होर तमाम लहर हो वो पंजाब दे विच उन्हां दी जड़ लग गई हुंदी है। इस समय किसानी अंदोलन भी जिहड़ा पंजाब तो शुरू हो के दिल्ली दे बॉर्डर उपर तैनात हुंदा आ पूरे वर्ल्ड लैवल दे उपर पुज जांदा आ तां उस तो बाद किवें किस तरीके दे नाल देखिया जावे किसानी अंदोलन नूं किस तरह की रूपरेखा आने वाले समय दे विच होएगी। ये जिहड़ी रूपरेखा आ ये तां पूरी दुनिया इहनूं जाणदी आ बई जिहड़े साडे सिख लोक आ की इहनां दा इतिहास आ की नहीं करना जिहड़ी उल्ट वहम पिया है ना बई ये चले जाणगे उठ जाणगे अज तक कदी उठे आ रिकॉर्ड पिछों देख लो पानिया का धरना होवे कोई धरना होवे गौरमेंट नूं बनाउण भी जाणदे आ ते लाउण भी जाणदे आ ये इदा नहीं हैगा बई मुसलमानां नूं दबा लिया तो उठ के आ गए ये तां कदी नहीं उठांगे। बच्चा बच्चा जिहड़ा साडा मतलब शस देण नूं तैयार बैठा ये जिहड़ी गौरमेंट मोदी ने इदा दा काम किया इत्थे कोई पार्टी का मसला नहीं कोई किसी पार्टी का नहीं हैगा ये सिर्फ किसानी का मुद्दा आ किसानी का मुद्दा साडा जिहड़ा आ इहदा भविख खत्म कर देना इहने। देखो अज की हाल आ प्राइवेट महल हुई सी लोगों को पैसा नहीं मिलता है कि नहीं जद गौरमेंट ने हाथों तो चक लिया ये तो यदि जी सोच आ बहुत माड़ी है कि रातियां नूं भी इहने दबाया उन्होंने दबा के इन्ना कुछ किया पर जिहड़ी साडे पंजाब दे लोग जां सिख लोग आ किसानी वाले लोग साडे नाल जुड़े आ मजदूर लोग आ कदी दबूगे नहीं। इस मोदी नूं समझ आनी चाहिए आ बई मैं किहड़े काम करदा इहनूं समझ आएगी हाले कुछ दिन लगनगे कितें उठन वाले हाँ असीं अभी तो रात दिन चलना इतने बच्चे साडे तैयार आ सानूं नहीं मतलब पढ़ाई हो जाए खराब हो जाए चकरी है कि नहीं असीं हटना नहीं हैगा सारा भाईचारा किसान यूनियन दे आगू पूरा डट के काम कर रहे हैं ये ना सोचण भी घर बैठे आ घर नहीं बैठे पूरा विश्व नाल आ पूरा हिंदुस्तान की बाहरलिया मुल्कां तों इहनां दी भरा की सारे नाल आ ये सोच के की बैठा इहदी सोच बहुत माड़ी आ साडियां वोटां बटोर के सानू ही धक्के मारे श्रोमणी अकाली दल दीआं मंत्र पुणा खो के सानू धक्के मारदा जिताउण वाले कौण सी जिताउण वाले कौण सीगे हैं साडे लोग सी ना किसान लोग सीगे जिहड़े दौड़ दौड़ के मोदी नूं वोटां पाउंदे सी हुण चार वोटां कढ के दिखा लवे कितें हो मोदी नहीं बिल्कुल कामयाब होगा ना साडी सिख कौम ना बजुर्ग ना भैणां ना माता कदी पिछे नहीं हटणगीआं भैणां ने कदी घर च कम नहीं किया इत्थे देख लो आके लंगर पकाउंदीआं तीन महीने तो लंगर चलता है हुण भाई साहब ने गलबात की असी टेंट की भी रूपरेखा बदल लगे हैं जाना नहीं है ड्यूटियां ला लैनिया रात रहना पवे दिल्ली जाना पवे सब तैयार है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। होर भी इत्थे शख्सियतां ने असी उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे और जानकारी भी लवांगे। बाबा जी किवें देखदे हो 1947 तो बाद जे देखा जाए 1947 तो बाद जिहड़ियां पंजाब दीआं रवायती पार्टियां उन्हां दा योगदान है जिहड़ा कोई बहुता वड्डा नहीं रहा क्योंकि जदों सरकार अपनी सत्ता दे विच आउंदी है सत्ता विच आउण तों पहलां उन्हां वल्लों वादे कीते जांदे है अज पंजाब दा नौजवान बेरोज़गार है विदेशां दे वल्ले जा रहा किवें देखदे हो पंजाब दीआं रवायती पार्टियां दे योगदान नूं। गल इस तरह है जिहड़ियां रवायती पार्टियां उह लोकां तों वोटां लैण दे वास्ते उन्हां नूं लॉलीपॉप दे दिंदियां और इहो जिहियां स्कीमां दे दिंदियां कि तुहानूं आह चीज़ देवांगे आह चीज़ फ्री देवांगे जिन्ना रेवन्यू हुंदा सरकार दा वह इन फ्री स्कीमों के उत्ते चंदा लगता तो जोड़े डिवेलपमेंट के काम आर घर नहीं होंगे वो उत्थे ही रह जाते जदों तो लैके पहला हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों तो आज़ादी ली और सोचा कि साढ़े लोगों रुज़गार मिलेगा साड़िया समस्याव हल हो जाएगी पर इस तरह नहीं होया उन्होंने भी ज़्यादा करप्ट हो गया है और यह अज तक किसी भी सरकार ने चाहे वह किसी भी पार्टी की होवे मैं किसी का नाँ नहीं लैना क्योंकि हर पार्टी की सरकार ने सिर्फ डंग टपाऊ काम किए और रुजगार नूं पैदा करने वास्ते इन्होंने अज तक किसी ने पार्टी ने कोई काम नहीं किया
और लोगों तो वोटा लैके सिर्फ अपन जेबा भरन तक सीमित रह जाते और अपन इन दनखाह जड़िया मैं अखबार पढ़िया कि दुनिया के जिने एम पी आ एम एल ए आ दुनिया जोड़े साढ़े तो बहुत एडवांस कंट्री आ उन्होंने कंट्रिया साम पी नालों तनखाह घट आ और साढ़े एम पी दनखाह जड़िया उन्होंने कित ज़्यादा जदों के आम लोग जोड़े आ वो बहुत थोड़े थोड़े पैसों ना गुजारा करते और वो हैंड टू माउथ आ उन्होंने मुश्किल ना गुजारा हों और इन्हों का अपना जड़िया जेबा है वो भरी जाते हैं अज समा असी सरकार जो दोष दईए तो लगता है कि साढ़े भी कसूर है जे असी उन्होंने पार्टिया के मगर जड़िया रवायती पार्टियां सी उन्होंने पिछे ला के असी भी चले हाँ मसला इस तरह आ कि जदों कोई साढ़े सामने मैनीफेस्टो रखता कि असी आह काम करांगे आह काम करांगे उन्हूं देख के लोग जिहड़े आ उन्हूं वोटां पाउंदे आ ये सियासी पार्टियां दी इहनूं बेईमानी कह लो जां क्योंकि ये जिहड़ा मैनीफेस्टो आ इहदी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है ये लोगों नूं छलावा है झूठे लारे ला के वोटां लै लैंदे आ और मैनीफेस्टो दे मुताबक कोई वादा पूरा नहीं करदे और वो सिर्फ झूठ बोल के ही वोटां लैंदे आ क्योंकि उन्हां नूं खुद पता हुंदा कि साढ़े कोल पैसा नहीं है पैसा कित्थों आना वो तुसी फ्री लटा दिता जिहड़ा पैसा आना उहदे नाल इन्हां दीआं तनखाह असी चलदियाँ जिहड़े सरकार दे मुलाजम हुंदे आ उन्हां नूं कई कई महीने तनखाह नहीं मिलदियाँ वो जिहड़े आ अपने धरने लाउंदे आ मुजाहरे करदे आ इस तरह करके इन्हां नूं पता जरूर हुंदा कि ये इस तरह नहीं होना पर यह वैदे करदे आ और लोग भोले भाले आ ये उन्हां दे गल्लां विच आ जांदे आ ते इस तरह करके उन्हां नूं वोटां फेर पा दिंदे आ असी बजुर्गों के नाल गलबात की है जिहड़े कि लंबे समय तो किसानी अंदोलन के एक हिस्सा बन के एक जाम लगा के एक सड़क के एक पासे दे उपर बैठे हुए ने असी होर भी किसानी अंदोलन के जिहड़े पक्ष है वख-वख तरीकों के नाल तुहाडे पेश करांगे धन्नवाद।